मौलाना साहब मंदिर से खुश है ना? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। मंदिर मंदिर बंद नहीं करेगा। दोनों दलालो सुन तो लिया करो, बेशर्मो दलालो, बेशर्मो। जैसे राम मंदिर बन गया है तो हमारे मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं इस फैसले का। हम क्यों करेंगे भाई स्वागत इस फैसले का? मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ेगा मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रिय दर्शक, विगत 22 जानुआरीते राम मंदिर उद्बोधनेर पर सारा भारतवर्षे चर्चार विषय एकटी, सेटी होच्छे बाबरी ना राम मंदिर। ए विषय निये किछु सांबादिक भारतवर्षेर किछु हिंदू मुस्लिमेर काछे पब्लिक रिएक्शन बा तादेर मतामत जानते चेयेछिलो। तारपर कि हलो सेटा जानले आपनी वाबाक हये जाबेन। एबं बाबरी एबं राम मंदिर निये डॉक्टर जाकिर नाइक कि तथ्य दिलें सेटा आपनी जानले हतबाक हये जाबेन। एबं सारा पृथिवीर मध्ये रिलिजन निये सबचेये मतबिरोधी एबं रिलिजन निये आपनार माने राजनीति कोन देशे हय सेटाओ ए भिडियोर माध्यमे आपनी क्लियरलि जानते पारबेन। एबं किछु हिंदू भाईरा एमन तथ्य दियेछेन सेटा जानले आपनी हासबेन ना कानबेन सेटा आपनी बुझते पारबेन ना, कारण तारा बोलछे सारा भारतवर्षे जत मस्जिद आछे सेगुलो भेंगे नाकि एकदिन राम मंदिर होबे। आजकेर एई भिडियोटि खुबई इम्पोर्टेंट भिडियो, ताई अवश्यई शेष पर्यन्त देखबेन एबं शेयर करे अपरके देखार सुयोग करे दिबेन। चलो समय नष्ट ना करे से मूल भिडियो दिके जावा जाक। राम मंदिर बन रहा है, एक मौलाना खुश है। एक मिनट, मंदिर क्या देगा? अच्छा एक मिनट, राम मंदिर से खुश है मौलाना? अरे आप रुक जाइए ना, एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट जाइए। बहन बेटियों से ज्यादा मत बोलो, जरूरी मंदिर है क्या? राम मंदिर से आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ है क्या? आपको तकलीफ? 12108 रेप हो चुके हैं एक साथ। अरे भाई मुद्दे पे बात करिए ना भाई, मतलब दीदी आप अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं? शर्मो दलालो, तुम्हारी बहन बेटिया तुम्हारा मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा ये शर्मो, आप अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं तो सुन तो लो दलालो, सुनो बोले, अरे जवाब दीजिए। अरे तो भाई सुनो, फिर बीच में नहीं बोलोगे? सबसे पहली बात, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में राम की स्थापना की जा रही है वहाँ रेप में नंबर वन है। और दूसरी मुद्दे की बात यह है, जहाँ तक चुनाव की बात रही, जब चुनाव बलात्कारी रेप पे ठोकाई देने वाले लड़ सकते हैं तो हम ऐसे महात्मा क्यों पीछे हटेंगे? और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हमें चुनाव की लालसा नहीं है, हम लिख के दे रहे हैं, हमें चुनाव की लालसा नहीं है, लेकिन हमें नफरत खत्म करनी है। और नफरत के साथ साथ मौलाना साहब मंदिर से खुश है ना? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। बिल्किस बानू, मैं एक भारतीय जनता पार्टी में। मंदिर क्यों बंद है? मंदिर नहीं, मंदिर बंद नहीं करेंगे, रुक रुक जाओ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप दोगे तो फिर आप हिंदू मुसलमान में आ जाएगा। ये बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी दलाल पत्रकार है, आप ना बोलो इस पे। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया ना, रेप रुक गया, एनसीआरबी नंबर वन उत्तर प्रदेश में रेप के मामले में बंद हो गया, मर्डर हो गया, बेरोजगारी बंद हो गई, मस्जिद भी बन रही है ना, तो भैया मस्जिद मुझे बनवा रहे हैं, आप बनवाने जा रहे हो। और बाबरी मस्जिद शहीद करके वो मंदिर बना के जनता जरा दुर्बल पतला आछेन, अनेक जगह चिकित्सा करेछेन, कोनो फलाफल पाच्छेन ना, ताहले एखोनी आमादेर आयुर्वेदिक सेंटारे कल करुन, इनशाल्लाह आपनी बडी बिल्डार हये जाबेन। आर आमादेर एखान थेके आपनाके जे ओषुधटा देवा हबे सम्पूर्ण आयुर्वेदिक प्राकृतिक उपादान दिये तैरी, कोनो रकमेर क्षति हबे ना। ताछाड़ा आमादेर एखाने नेशाओ छाड़ानो हय। क्या मिला? जैसे राम मंदिर बन गया है तो हमारे मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं इस फैसले का। हम क्यों करेंगे भाई स्वागत इस फैसले का? ये तो बेईमानी का फैसला है। कोर्ट का फैसला है सर? अरे कोर्ट वोट सब उसी के हैं यार, जो उसके खिलाफ बोल देता है। गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को क्या मिलेगा वहाँ पे? बस हाँ ये है, जो ज्यादा परेशान लोग हैं वो वहाँ लाइन में लग के जो भीख मांगने लगेंगे यार, जो ज्यादा परेशान लोग हैं राम मंदिर के बाहर। और जो वीआईपी लोग हैं उनका टोकन कटेगा, उनका टोकन कटेगा, दर्शन हो जाएंगे उनको, गरीब आदमी बैठा रहेगा। सर कह रहे हैं कि आप भाईचारे के नाते हमारे मुस्लिम भाई भी स्वागत करते हैं, कह रहे हैं भाईचारा ये अपना मकान किसी दूसरे को देके भाईचारा हो जाएगा? मैं अपने मकान किसी दूसरे को देके कह रहा मेरा भाई था मैंने दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। कुछ कहते हैं कि सर पौराणिक इतिहास के हिसाब से वहाँ मतलब मंदिर ही था। अरे ये तो सब मंदिर ही बता देते हैं भाई, राम राज आएगा और ये होगा, ये फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, ठीक है सब। कौन खुश है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सुनो सुनो, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ेगा मुसलमान। ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है, हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में मेरे तहकीक के हिसाब से ये मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। Terrorism is a monopoly of the politicians. सियासतदान लोग की विरासत है, दहशतगर्दी
आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत की, 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं काय के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे नजर में दहशतगर्दी आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है, चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन, अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे एड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगा, मैंने बोला नहीं नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद, आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता हूं, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे, आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था, आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर। प्रिय दर्शक, आज के पब्लिक रिएक्शन वीडियो टी कम लगलो, भलो लागुक खराब लागुक कमेंट बक्से अवश्य क्लियरलि जानाबेन। एवं डॉक्टर जाकिर नायकेर এই ভিডিও থেকে আপনি কি শিক্ষা পেলেন সেটাও একটু চিন্তা ভাবনা করবেন। এবং এরকমই সঠিক ইনফরমেশন পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটি অবশ্যই ফলো করবেন, ডিসক্রিপশনে অরিজিনাল ক্রিয়েটর লিংক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়েও আপনারা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। আজকের মতো এখানেই, পরবর্তীতে নতুন কোনো সঠিক ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করো। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত। যারা গুপ্ত রোগে ভুগছেন তাদের জন্য ডাক্তার চয়েস ব্র্যান্ড নিয়েছে ডবল অ্যাকশন সিলাজিদ, এর দাম মাত্র 66 টাকা।
ওয়াল ইন্ডিয়া ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল, মিনিমাম আপনাকে ছটা অর্ডার করতে হবে। এছাড়া আমাদের এখানে সুগার, থাইরয়েড, কিডনি পাথর, ওয়াল বডি ইনফেকশন, চর্মরোগ, যে কোনো নেশা ছাড়ানো, লিঙ্গ ছোট সরু বাঁকা, ওজন কমানো এবং বাড়ানো, এছাড়া নারী ও পুরুষের যে কোনো জটিল এবং গুপ্ত রোগের সঠিক চিকিৎসার জন্য নিচে দেওয়া নাম্বারে কল করুন অথবা পরামর্শ নিতে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন।